मैंने फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मैं सोचा भी नहीं था दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आप सभी का स्वागत है ग्रोथ हाइटेड रेसिडेंशियल मीटअप 2.0 में। आज हम जाने वाले हैं जंगल रिट्रीट के कई जगहों पर, जहां पर हम एक्सप्लोर करेंगे यहां का कल्चर, यहां की जगह, यहां के टेंपल्स बहुत सारे हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। ग्रोथ हाइटेड की पूरी टीम यहां पर आ चुकी है, सभी के सभी बहुत एक्साइटेड हैं और एज यू कैन सी थोड़ा सा डर भी है लोगों के अंदर इस जगह को लेके, पर लेट्स सी आगे क्या होता है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, बाय बाय। जाओगे तो कुछ चीज नोटिस करना, ये नॉर्मल हनुमान जी नहीं है, पहले बता दे। अब उसमें क्या है स्पेसिफिक, पहले वो आप खोज लो और एक बार दर्शन कर लो, मिल जाए तो मुझे बताना और ना मिले तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ तो स्पेसिफिक है और मैं बता रहा हूँ, बहुत जगह पे आप जाओगे हनुमान मंदिर बहुत मिलेंगे, मगर अलग अलग हनुमान मंदिर के अलग अलग तरीके से वैल्यू होती है। यहाँ में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से हमने जहाँ तक सुना था कि पूरे विश्व में नहीं ही है, ठीक है। तो ये निकला भी है और ये नीचे से ज़मीन से निकल के आया है, तो स्थापित वहीं पे ही है और थोड़ा सा अलग है, तो बहुत ध्यान से करना, कोशिश करना, क्योंकि फिर मैं सवाल करूँगा कि क्या मिला, तो आपको पता होना चाहिए क्या मिला उसके अंदर, ठीक है। बहुत ध्यान से तो सभी को मूर्ति देखनी है, मूर्ति में एक स्पेशल पार्ट है जो आपको ढूंढने से ही पता चलेगा। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जाइएगा, दर्शन कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या मिला आपको, ठीक है, जाइए। सवाल ये है कि क्या समझ आया, कुछ समझ आया? नहीं, देखा तो है बट मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। हैंड्स में डिफरेंस लगा था, गर्दन में थोड़ा डिफरेंस लगा। गर्दन में आपको? सर पहली बात तो वो मूर्ति एकदम धरती से आई है, जैसे आपने बताया था, वहाँ पे दो मूर्ति है, मतलब ज्यादा कुछ बस इतना ही लगा। और वो जो वाइब आ रही थी ना, वो एकदम ऐसा लग रहा कि सामने प्रकट हुए। हनुमान जी का जो गदा है ना, वो हाथ में नहीं पकड़े हैं, नीचे हैं और चप्पल भी बाहर है। भगवान की मूर्ति में तो सभी सारी चीजें अच्छी लगती है, और मतलब भगवान को देखकर जो शांति मिल रही है वो शायद शहर के मंदिर में ना मिल पाए जो यहाँ मिल रही है। मैंने वहाँ पे भी गई, राइट साइड में एक दर्शन, वो कुछ अंदर से निकली है वो मूर्ति, उसके भी दर्शन किए, बहुत ही पॉजिटिव वाइब लगा, मतलब ऐसे लगा है कि बुलावा ही आया है, मैं नहीं आने वाली थी बट फिर भी आई, बहुत पॉजिटिव फील हुआ और बहुत अच्छा वाइब हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज समझते हैं, हमने टास्क लिया था कि हमको उस मूर्ति में स्पेसिफिक ढूंढना था, अब वापस से मैं बताऊंगा और जाके देखेंगे, ठीक है, जाके मात्र देखेंगे, प्रणाम करके आएंगे। उस मूर्ति में उनके हाथ में शिवलिंग है, पहला चीज हाथों में शिवलिंग को लिया है, दूसरा चीज नटराज के पोजीशन में खुद है, और तीसरा पैरों में पाताल भैरी माता को दबा रखा है। ये मात्र एक मूर्ति है जिसकी स्थापना यही हुई, क्योंकि निकले यही हैं और यही उनको रखा गया है। एक ही एरिया में एक ही जगह पर रहने से क्या होता है ना, विकास नहीं होता। और जब कोई इंसान ऐसी जगह पे आता है जो उसकी बियॉन्ड इमेजिनेशन की है, कि जैसे अगर ये पत्थर आप देख पा रहे हो, तो ये पत्थर नॉर्मल पत्थर नहीं है, इन पत्थरों की भी अपनी स्पेशलिटी है, अपनी चीज व्यक्त करते हैं। तो जब यहाँ बच्चे देखते हैं कि यहाँ हमें ये चीज सीखने को मिली, हमें ये चीज पता चला, इससे माइंड डेवलप होता है, और जितना माइंड डेवलप होगा उतनी ही उनकी करियर ग्रोथ होती है, मानसिक ग्रोथ होती है, और इसी कारण से ये सारी जगह बहुत मैटर करती हैं बच्चों के लिए, और इस कारण से ग्रोथ हाइटेड पूरी टीम आज यहाँ पर आई हुई है। मंडुआ करके जगह है, वहां के राजा, तो राजा जब कभी भी शादी वादी करके आते थे, तो वहाँ एक नियम था कि वहाँ से आके यहाँ पिछेर की महल में बलि चढ़ाया जाता था,
और थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करेंगे और सेंट सूंघने की कोशिश करेंगे, यहाँ की स्मेल को लेने की कोशिश करेंगे, आज भी वो बकरे की बलि का स्मेल है। गांव है, यहाँ का जो ट्राइब है वो है बैगा ट्राइब। अब बैगा ट्राइब है क्या, बेसिकली इसको हम समझते हैं, टैटू हमने देखा है, टैटू आया बाद में, पहले था इसको क्या बोलते थे, गोदना, है ना। तो गोदना जो ट्राइब है, मतलब गोदना जो करते थे, वो है बैगा ट्राइब। इनका काम ही बेसिकली जो था, प्रोफेशनल काम इनका था, वो यही था, गाँव गाँव जाके ये बनाना। ठीक है, हम रात होने से अपने कमरे में डल जाते हैं, ये जंगल है और यहाँ पे घर भी देख सकते हो कि क्या हो सकता है। मैंने वहाँ पे बात करा कि जंगली जानवर का कैसा सीन है, क्या है, तो उन्होंने बताया कि भालू का आना जाना होता है, भालू हो गया और दो तीन और ऐसे सियार हो गए, है ना। ये लोग आते हैं जाते हैं, मगर कोई कुछ नुकसान नहीं करता, यहाँ वो रह रहे हैं। यहाँ की अगर मैं खेती की बात करूँ तो खेती में दो तीन चीज़ें हैं। अब दो तीन चीज़ में ज्वार बाजरा आपने देखा होगा, तैयारी हो रही थी, ये तो चलो ठीक है, लाइवलीहुड के लिए काम आ गया, मगर इसके अलावा जो यहाँ मिलता है, जो आपको नॉर्मल जगह नहीं मिलेगा, जैसे हमें भोपाल हो गए, हमारे जो एरिया भिलाई वाला एरिया होगा, वहाँ नहीं मिलेगा, वो है हर्रा महुआ। अगर मैं इसकी आबादी की बात करूँ, जिस एरिया में अभी हैं, जिस गांव में हम लोग हैं, 100 लोग की आबादी है। मेन क्या है कि यहाँ पर कोई चीज़ उपस्थित नहीं है, लोगों के पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, दूर दूर तक साधन नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा ना होने के बावजूद भी वो अपना खाना चला रहे हैं, रोजी चला रहे हैं। इतनी गर्मी में अपन को 10 मिनट में गर्मी लग रही है और वहाँ पर पंखा कूलर किसी के पास नहीं है, ना लाइट फेस है। यहाँ पर कहने का पर्पस है कि आपको ये खुद के अंदर सोचना है कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। हम लोग के पास आज वो सब है जो यहाँ वो कल्पना करते हैं, मतलब वो सपना है आपकी ज़िंदगी जीने का। और हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ये आप, खासकर आप लोग के लिए, हम लोग अपनी ज़िंदगी में उदास बैठे रहते हैं घर पे, किस बात को लेके पता नहीं, कुछ हो नहीं रहा। अरे कितना हो गया है, कितना हो गया है। तुम लोग छत्तीसगढ़ आ गए हो गाँव में, तुम्हारे नेटवर्क गाय में मोबाइल के। कहने का पर्पस ये है कि सबसे पहले मन में ये लेकर आओ कि हाँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों परेशान रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक। दूसरा, इन लोग की ज़िंदगी से आपको क्या सीख मिल सकती है कि वो देखो, वो सब खुश हैं, सब संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंकल कह रहे हैं बच्चे लोग बाहर चले गए हैं, कल्चर हमारा बंद हो गया है, सरपंच काम नहीं कर रहा है, खेती उग नहीं रही है, पतली मिट्टी है, पर खुश है वो, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करो मन से, और उसके ऊपर काम करना चालू करो। ये रोना लेके मत बैठो कोई कि मेरे पास कुछ है कुछ नहीं है, तब जाके आप खुशी खुशी आगे बढ़ पाओगे और ज्यादा। अब तेरे आने की आस नहीं, इसलिए भी ये दिल उदास नहीं, कुछ नहीं चाहिए किसी से मुझे, और कुछ भी किसी के पास नहीं। सब्र का फल तो मिल गया मुझे, लेकिन बिल्कुल भी इसमें मिठास नहीं, और जितने नाखून बढ़ा चुकी है वो, मेरे बदन में उतना मांस नहीं। मेरे ची, हाँ, मेरे ची।
मिर्ची 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 नजर तिरछी शक्ल फिरनी हरकत फिल्मी गर्ल यू फिल्मी तेरा भाई भी तो हार्ड है हर गली में स्टार है अब पूरा बवाल है शक्ल पे स्कार है दिल में से प्यार है कॉल 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 जरा कॉल पे कॉल वो लाइन पे ओ माय गॉड इस गर्मी में वही तो जिम्मेदार वो बंगाली गुजराती मिक्स है रिक्शा में निकली पर लेना तो रिस्क है ओ माय गॉड मिर्ची तीखी 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 मामला है रिस्क चांद का टुकड़ा है चेहरा पर बंद रखती प्यार की खिड़की ओ मेरी मिर्ची रुको ना मिस आ मिस यू मिस से तुमको मिसेस बनाना है तुम सिर्फ बैठ के ध्यान दो मुझको किचन में डिशेस बनाना है नदी में बोट से फिशेस है तुम फिश नहीं तो फिशिंग नहीं जाना है प्यार के मिशन पे आया तो हार या जीत ये लड़का दीवाना है चलना तू बॉम्बे अम्मा से मिलाना है हाथ से खिलाना है चलना तू बॉम्बे और खाना बना के फिर चालू ना अपना मिर्ची 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 नजर तिरछी शक्ल फिरनी ऐसा लगा भाई आपको पानी के बीच में खाना खाते हुए अमेजिंग लगा सर कैमरे भाई कट कर देना